हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी धनिया की चटनी विद कर्ड। ये बहुत ही टेस्टी होती है, देखने में भी इतनी ही अच्छी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए मैंने लिया है चॉप एंड वॉश कोरिएंडर, रोस्टेड चना दाल, सॉल्ट, चॉप जिंजर, रोस्टेड जीरा एंड हरी मिर्च, वन स्मॉल बॉल फ्रेश कर्ड। तड़के के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड सीड, कड़ी पत्ता एंड मस्टर्ड ऑयल। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। अब एक ग्राइंडर जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को वन बाई वन डालेंगे। अभी मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। आप धनिया पत्ता की जगह पुदीना भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे लेना आप। अब मैं डाल रही हूँ रोस्टेड चना। आप इसकी जगह मूंगफली भी रोस्टेड यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छी टेस्ट आती है उसकी भी। अब मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और मैं रोस्टेड जीरा डाल रही हूँ। चॉप जिंजर, फिर लास्ट में सॉल्ट डालूँगी। अब आप स्मॉल बाउल कर डाल दीजिए इसमें, इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब ये ग्राइंडिंग के लिए रेडी हो गया है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड होने के लिए रख दीजिए। देखिए हमारा चटनी रेडी हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है ग्राइंडिंग के बाद। इसे बाउल में अच्छी तरीके से निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इसे अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम ये तड़का रेडी करेंगे। देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया है, मैं सब मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे। आप इसे सैंडविच या रोटी सैंडविच बनाने में भी यूज कर सकते हो, और इसे पराठे के साथ, इडली ढोकला और के साथ आप यूज कर सकते हो इसका। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी होती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।